एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ सच में बाथरूम नहीं है या? अरे झूठ का है बोले, तुम्हारे घर में है शौचालय? हाँ नहीं तो क्या, शहर में सबके यहाँ बाथरूम होते हैं। मजबूरी है ना। मजबूरी और नहीं तो का, हमारे देश के प्रधानमंत्री तक कहते हैं सफाई रखो, हर घर में शौचालय बनाओ। नो नेटवर्क कॉड, प्लीज नेटवर्क। नेटवर्क अब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसी से बात करके निकालनी होगी। तेरी बाबू, अब एक बात बताओ, ये फोन में कैमरा है? हाँ है ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें लगा कोई हतो आसपास। अच्छा, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। हाँ वहम हतो हमाओ। सहरी बाबू एक बात पूछे। हाँ पूछो। ये फोन के कैमरे से हमारी फोटो खींचोगे नाना और माई के साथ? हमारे पास उनके साथ एक भी फोटो नहीं है। बस इतनी सी बात? अरे एक क्या, जितनी जाओ उतनी फोटो खिंचवा लेना। सच्ची? हाँ, और सिर्फ तुम्हारी क्यों, पूरे भुआना और भुआना के लोगों की सबकी फोटो खींचूंगा। और एक फोटो सुंदरी के साथ भी। हाँ उसके साथ भी। सहरी बाबू हम चलते हैं, सूरज सर पे चढ़ो। कहाँ? अरे चलते हैं, देरी हो जाए तो डांट पड़े। इसे क्या हुआ अचानक? अपनी आंखों से देखो और कानों से सुनो, हमने सिर्फ मोही नहीं पूरे गांव की फोटो लेवे के चक्कर में है वो सहरी बाबू। लगा थे वो सरकार को आदमी है। जय प्रताप भैया, मैं पहले से ही शक तो। सब सुन लो हमने और समझ भी लाओ, कहीं वो शहरी या मोहिन है देखो तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं प्रताप भैया, हम तो छुपके देख रहे थे और चुपचाप सुन रहे थे। लगत है उस शहरी से मुलाकात करने पड़े। अगर बात शहरी सच में सरकार को खबरी भाओ तो माँ कसम देख लियो, भोकी और मोही दोनों की खैर नहीं है। मोही दीदी प्रताप भैया आ रहे। बड़े गुस्से में और वो भी इसी तरफ सहरी बाबू को पूछ रहे हैं। का? अच्छा अब हम चलते हैं। गंगी 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 काय आए हुए थे? हमने सुनी है कोई शहरी आए हुए थे, बस बा के दर्शन कर पे चले आए। सही सुनी, तो इतने काय आया हो? इतने नहीं है वो? वो तो हम भी देख रहे हैं कि बा इतने नहीं है, लेकिन कहीं तो हुई है और जहां भी हुई है बात तुम्हें जरूर पता हुई है। आखिर कल तुमसे भी तो मिलो थो, इलाज करावे आओ थो, वैद्य होने के नाते इलाज कर दिया बस। ओके बाद वो हरिया के इतने रुको,
पर कमाल की बात है वैद्य कि अब बा उते भी नहीं है। हमें क्या पता कितने हुए वो तो ए को पता हुई है। चकल रात बस सहरी के लाने खाना लेके गई थी और सवेरे सवेरे चाय नाश्ता भी। अब क्या सब भी मालूम है कि नहीं तुम्हें? तो ठीक, अगर तुम्हें नहीं पता तो हम खुदा ही पता कर ले हैं। तुम लोग ऐसे नहीं बताओ। प्यार से पूछे तो नहीं बताए। तुम सबरे खुदा ही मजबूर करो तो हमें हिंसा पे उतर बेको। अब बता कहां है बसारे? नहीं तो हमें कब भेजा उड़ाते हैं? हम गिनती गिन हैं। अगर फिर भी ना बताए तो हमें दोष ना दियो। एक ही मौत को। पांच, पांच, चार, चार, तीन, दो। रुको, रुको। हरिया को जाने दो। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें पता नहीं है कितने जो बारे बैद वाह। अब अपनों से झूठ बोल रहे हो, वो भी एक अनजान सहरी के लाने। जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए, इन लोगों को जाने दीजिए। बारे जबानी को जोश। दत्ता तुम अगर कहो तो जा रहे हरिया घर जा। ले छोड़ दो। अब बताओ इतने काय आए हो? वो पैराग्लाइडिंग करते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया और सीधे यहाँ जंगल में आ गिरा। पैर में चोट लगी थी तो डॉक्टर की तलाश में भटकते भटकते इस गांव में आ पहुंचा। और उसके बाद क्या हुआ इस बात की खबर तो आपको होगी। मैं बस ये कहूँगा कि इस सब में इन लोगों की कोई गलती नहीं। ये लोग तो इंसानियत के नाते मेरी हेल्प कर रहे हैं। और आज भी मैं यहां अपनी दवाई लेने आया था। हो गई तसल्ली?
चलो मान लेते कि जो भी सच बोल रहा हो है, और तुम लोग भी, तेरे को छुपाओ का है। वही स्वास्थ्य तोरे मुंह नहीं लगवो जात, बिना किसी बात के तमाशा करना तोरी आदत है, हमरी नहीं। चलो मान लेते कि जो भी सच बोल रहा हो है, और तुम लोग भी, तेरे को छुपाओ का है। वही स्वास्थ्य तोरे मुंह नहीं लगवो जात, बिना किसी बात के तमाशा करना तोरी आदत है, हमरी नहीं। इतनी इज्जत, अरे बैद इतनी इज्जत ना दे, कलेजा भरा है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लाने बता दें, भरोसे के लायक नया जा सहरी जासूस है जो सरकार ने भेजो है, इत्ते की फोटो खींच के खुफिया जानकारी इकट्ठी कर बे के लाने। अच्छा तुम्हारी नातिन मदद कर रही है कि जा काम में, तुम्हारे आदमी ने खुद सुनी है दोई की बातें। ये फोन के कैमरे से हमारी फोटो खींचो कि नाना और माई के साथ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पास कोई हाथों हाथ पर। जिसने भी सुनी है और आपको बताई, उसकी गाल पर एक तमाचा पड़ना चाहिए, और उसकी बात पे यकीन करने वाले की गाल पर दो। ज्यादा बोलो तो इतना ही काट दें। देखिए आप खुद सोचिए, अगर मैं सरकारी जासूस होता तो मैं यहाँ ऐसे सबके सामने बात कहता, वो भी इसी गांव की लड़की से। इनफैक्ट मैं तो किसी के सामने आता भी नहीं, चुपचाप अपना काम करता। हाँ मैंने फोटो खींचने की बात की थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जगह ही इतनी खूबसूरत है। परसों तक का समय दे था तुम्हें, परसों के बाद तुम्हारे ये पैर भाई या ना भाई, तुम हमें गांव में नजर नहीं आओ चाहिए। हमारे आदमी तुम्हें भवाना के बाहर तक छोड़ा है, और अगर परसों के बाद भी तू इतने नजर आओ तो तू जिम्मेदार हुई है खुद के लाने भी, और इन सब के लाने भी जो तुम्हारे साथ है। समझ गए? चलो रे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।